ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगरा टोली रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन रांची हावड़ा सहित देश भर में 9 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि रेलवे को देश की जनता के लिए बेहतर बनाना लक्ष्य है। वहीं सांसद महुआ मांझी ने वंदे भारत ट्रेनों में किराए में कमी लाने की मांग की है। महुआ मांझी ने केंद्र सरकार से जनता के लिए ट्रेनों को सुलभ कराने की बात कही है। मैच कर रहे और यही तो आज का भारत चाहता है। 14 से रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर बहुत जोर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। चल जाए It is a historical day as far as the Indian Railway is concerned. We are moving towards faster trains and with the indigenous technology. That is the greatest achievement of us today. We want India to move. So, railway is also moving. Today we Jharkhand people are very very happy that we got our second Vande Bharat train in such a short span of 2 months, and we got our Ranchi railway station to get it expand with all infrastructure. That is also going on. After that work is getting completed, Ranchi railway station will be one of the best in the country with all international standards. That is what we all are very happy about it. And India is moving forward because of the visionary leaders, Modi ji's efforts. We all are very proud of it. We want development. We want to the country move forward further. We have already achieved the 5th largest economical power in the world. And after G20, before G20, Modi ji was the visionary leader of India. After G20, now Modi ji is the visionary leader of the world. We all know India's development will help the world mankind. वो दिखावे में चला जा रहा है। अगर बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इक्वली, सबसे पहले जो रेलवे प्लेटफॉर्म सभी बहुत उपेक्षित हैं, टूटे फूटे हैं, जर्जर है, असुरक्षित है, उनमें पहले लगाना चाहिए। फिर जो रेलवे जो रेल टूटे हुए हैं थोड़ा ग्रामीण इलाके का, या फिर बहुत सारे लोकल ट्रेन भी है या जैसे भी ट्रेन, उनकी उनको सुधारना चाहिए। और उसके बाद अगर हम हाई फाई ट्रेन बनाए तो वो शायद जनता को ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि एक तरफ किराया तो बहुत बड़ी बात है कि किराया इतनी अधिक है, ये अपर क्लास के लिए हो गया। अपर क्लास तो ऐसे भी फ्लाइट में सफ़र करती है। इसीलिए वंदे भारत में जो सीट्स खाली हैं, जो सरकार को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह ये है कि जो इतनी किराया देगा वो हवाई जहाज़ में नहीं चला जाएगा। तो ये हम लोग चाहेंगे कि एक बार उन ट्रेनों के बारे में भी सोचा जाए जिनकी हालत बहुत जर्जर है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कम किराए की वजह से लोग उन्हीं ट्रेनों पे, अभी भी आप देखिएगा कि हावड़ा के लिए जो ट्रेनें चलती हैं जिसमें किराया कम है उसी में भीड़ उमड़ेगी, और उनकी स्थिति को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ हम फोकस करें हाई फाई और टेक्नोलॉजी पर, तो तब हमें और ज़्यादा खुशी होगी। वैसे स्वागत है, जो भी नया होता है उसका हम स्वागत करते हैं और शुभकामना देते हैं। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।